चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज आईपीएल का मैच हुआ, तो इस मैच को जीत गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स 8 विकेट से। तो मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में किसको अवार्ड दिया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो टाटा 5 GB स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला निकोलस पुरन को, जिन्होंने इस मैच में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। आज उन्होंने 12 गेंद में 23 रनों की पारी खेली, जिनका स्ट्राइक रेट था 191 का, जिसी वजह से उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में टाटा 5 की तरफ से एक ट्रॉफी दिया गया। माई 11 सर्कल ऑफ द मैच अवार्ड, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कमाए माई 11 सर्कल में, वो रहे लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के राहुल, जिन्होंने टोटल 156 फैंटेसी पॉइंट कमाए। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक माई 11 सर्कल का ट्रॉफी दिया गया। सिक्सेस ऑफ द मैच अवार्ड, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा छक्के मारे वो रहे लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान फिर से एक बार के राहुल, जिन्होंने टोटल 3 छक्के मारे और 82 रन बने 53 गेंद पर। तो इसी वजह से लखनऊ ने आज चेन्नई सुपर किंग को 1 ओवर रहते 8 विकेट से हरा दिया। रुपए ऑन द गो फॉर मैच अवार्ड, जो इस मैच में सबसे ज़्यादा चौके मारे वो रहे लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान फिर से एक बार केएल राहुल, जिन्होंने टोटल 9 चौके मारे। उनको 1,00,000 रुपये साथ में रुपए ऑन द गो फॉर का ट्रॉफी दिया गया। आज लखनऊ सुपर जायंट्स के सभी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आखिर में जो अवार्ड आता है मैन ऑफ द मैच अवार्ड, जो इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे वो रहे लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल, जिन्होंने टोटल 82 रन बने 53 गेंद में, जिसमें 9 चौके 3 छक्के शामिल थे। उनको 1,00,000 रुपये साथ ही में एक ट्रॉफी दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच का। इस मैच में उन्होंने 2 कैच भी लिए, स्टंपिंग किया।